पैरों में बेचैनी रहती है, झंझनाहट होती है, दर्द होता है पैरों में आपके, और हृदय में घबराहट होती है आपके, सर में भी गई है, सर में दर्द होता है, कमर की तरफ भी गई है। डॉक्टरों ने क्या बता रखा आपको? कुछ आता ही नहीं है, फिर भी दवाई दे रहे हैं ना। जब कुछ आता नहीं है दवाई काहे दे रहे भाई? बोलो चलो टेस्ट कर लिए, टेस्ट में पैसे लगा दिए आदमी ने, फिर काहे की दवाई? फिर फीस के भी पैसे दो और दवाई के भी पैसे दो, और दवाई खाते भी रहो और शरीर को बेकार भी कर लो, शरीर को झोला बना लो, ठीक है ना। ये सारे झोला छाप डॉक्टर है, शरीर को झोला बना देते हैं, आगे ना समझ में। इनको झोला बनाने की, एक शरीर को बेढंगा बनाने की इनके पास विधि है। क्या है विधि? है ये सारे एलोपैथी के डॉक्टर दवाई खिला खिला के आदमी होता है पतला सा है, स्लिम ट्रिम है, और उसको कैसे बना देते हैं? बेढंगा बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? बेढंगा बना देते हैं। प्रत्येक दवाई एलर्जिक है, प्रत्येक दवाई उसका एक्शन भी है, उसका रिएक्शन भी है एलोपैथी में। इसलिए एलोपैथी से परहेज करो जितना कर सकते हो। क्या करो? एलोपैथी से परहेज ही सर्वोपरि है। जिसने एलोपैथी नहीं खाई इस कलयुग में, ये समझो वो बच गया। बहुत सारे लोग दवाइयां नहीं खाते हैं, सहजता से रहते हैं, अपने आप को बचा के रखते हैं, ठीक है, चोट आदि से भी अपने आप को बचा के रखते हैं। इस तरह से अपने आप को सेफ रखो, सुरक्षित रखो। ज्यादा भागदौड़ के जीवन में कुछ नहीं रखा है, फ्री फंड में घूमने में भी कुछ नहीं रखा है। कभी आप ये समझ रहे हो फ्री फंड में घूमने में कुछ रखा है? मन से जाओ, जहां जाओ कहां से जाओ, अपने आप को सूक्ष्म करो, भगवान का नाम लो, और फिर मन से बैठे बैठे सब जगह जाओ। आया ना समझ में? जैसे कल निखिल भैया ने किसी का घर बताया था, जैसे गौतम भैया किसी का भी घर बता देते हैं, जैसे ये भी अंकित भैया भी किसी का घर बता देते हैं। किसी के घर में जैसे जाते हैं, ऐसे ही किसी दरबार में भी जाया जा सकता है। कहां जाया जा सकता है? ऐसे ही भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। ऐसी शक्तियां प्राप्त करो, ऐसी सिद्धियां प्राप्त करो। बोलो जय शनिदेव। जहां जहां भूख लगी है वही वही रोग है, वो भी हमारा है। क्या है आपको पता है? आपको प्रेत है। क्या है? बोलो फिर से, मुंह से बोलो जोर से, प्रेत है। आठ बार आएंगे, आठ बार में तो तीन ही बार में आप ठीक हो जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जाइए घर, दीप दान करके जाइए और फिर आइएगा। चलिए, कार्ड बन गया आपका।